रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हुए दो जवानों का आज होगा अंतिम संस्कार। पाँच दिन पहले ही पाकिस्तान गड़गड़ाता हुआ सीज फायर की मांग कर रहा था, लेकिन अखनूर में जो वादा खिलाफी उसने की है उसकी कीमत तो उसे चुकानी ही होगी। नई दिल्ली जम्मू से लगी सीमा अखनूर में पाकिस्तान की गोलाबारी में कल उत्तर प्रदेश के दो जवानों ने अपने प्राणों की शहादत दे दी। देवरिया के सत्यनारायण यादव और फतेहपुर के बीएसएफ जवान विजय पांडे देश के लिए कुर्बान हो गए। आज इनके पार्थिव शरीर इनके घर लाए जाएंगे। शहीदों के परिवार पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहे हैं। 3 महीने पहले ही घर आए थे शहीद सत्यनारायण यादव। पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए बीएसएफ कांस्टेबल सत्यनारायण यादव 3 महीने पहले ही छुट्टी में अपने घर आए थे। अब उनकी शहादत के बाद देवरिया के गांव बैदा बासपार के लोगों को गर्व है, लेकिन अपने बेटे को गंवा देने वाले परिवार को कभी ना भूलने वाला दर्द मिला है। गाँव वालों का आरोप, सरकार में मौजूद कोई नेता नहीं आया। शहीद सत्यनारायण अपने पीछे पत्नी 3 बेटे 1 बेटी और बुजुर्ग पिता को छोड़ गए हैं। सत्यनारायण यादव का बेटा राजेश अभी हाई स्कूल में पढ़ता है। पूरा गांव शहीद सत्यनारायण यादव के परिवार वालों के साथ है। गाँव वालों का आरोप है कि ना तो जिला प्रशासन और ना ही सरकार में मौजूद कोई नेता गाँव आया है। शहीद विजय की इसी महीने थी शादी। वहीं यूपी के ही फतेहपुर के रहने वाले विजय पांडे की शहादत की खबर जब घर पहुंची तो कोहराम मच गया। विजय की शादी होने वाली थी, वो 5 जून को ही घर लौटने वाले थे। फतेहपुर के सठबनवा गांव के रहने वाले विजय पांडे की तैनाती अखनूर में थी, जहां वो पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हो गए। गाँव में पसरा मातम विजय की शहादत की खबर से पूरे गाँव में मातम पसरा है। 5 दिन पहले ही पाकिस्तान गड़गड़ाता हुआ सीज फायर की मांग कर रहा था, लेकिन अखनूर में जो वादा खिलाफी उसने की है उसकी कीमत तो उसे चुकानी ही होगी, और यही मांग शहीद जवानों के परिवार वालों की जुबान पर है।